सहेली सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रजो मौसी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार कैसी मंजू बिटिया? बस बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ और आपका बहुत बहुत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे ये जो फूल हैं। हाँ। आज नौवां दिन है, आज नवमी है और नवरात्र का नौवां दिन है। हाँ, ना बिल्कुल। चारों तरफ देखो शहर में कितनी खुशियां के चेहरों पे, रंग बिरंगे कपड़े, गरबा, पूजा, ध्यान, हुमाद, वो सारी चीजें देखे ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण बहुत प्रदूषण है इसके बावजूद भी बहुत सुंदर हो गया। हाँ, बिल्कुल एक प्रफुल्लता लग रही है। हाँ। और हालांकि ये जो नौ दिन होते हैं सारे लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इतने दिनों से भोजन नहीं किया है या कहीं कुछ ऐसी कमी नजर आती, ऐसा नहीं, बल्कि एक दुगुने उल्लास के साथ वो इस त्योहार को, इस पर्व को मनाते हैं, गरबा खेलते हैं और शक्ति की आराधना का ये जो पर्व है बड़े उल्लास साथ मना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात बिल्कुल है। बिल्कुल माँ शक्ति देती है कितना, देखो ना आज क्योंकि नवरात्र का नौवां दिन है तो इस दिन को हम महानवमी के रूप में मनाते हैं। नवरात्र का पर्व स्त्री शक्ति के सम्मान को प्रतिष्ठित करता है और माँ दुर्गा की नवी शक्ति सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को आठों सिद्धियां प्राप्त होती है, अंतिम कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। और देखिए नौ दिन के जो नौ रूप होते हैं उनके सबकी एक अलग अलग महिमा है और आज सिद्धिदात्री का दिन है। सिद्धिदात्री जो है वो अष्ट सिद्धि देने वाली है। इन्हीं सिद्धिदात्री की तरह स्त्री भी किसी न पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कौशल प्रदायिनी होती है। वो परिजन के जीवन को पूर्ण बनाती है, वो अपने संतान को इतना कुछ सिखाती है कि वो कई कार्यों में निपुण हो जाती है। और देखिए इसीलिए ना मौसी जी कहते हैं ना कि ये जो नौ रूप है तीन के ही नौ रूप है, तो स्त्री भी मुझे लगता है कि बस इन्हीं नौ रूपों में अलग अलग तरह से काम करती है। बिल्कुल, देखो ना हमारे घर की बुजुर्ग और वरिष्ठतम महिला को हम सिद्धिदात्री बिल्कुल मान सकते हैं। यही तो वो माँ है जो परिवार को हर परेशानी, संग और विपत्ति से बाहर निकाल लाती हैं। दादी नानी के अनुभव हमें जीवन के हर मोड़ पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। नहीं बेटिया, बिल्कुल बिल्कुल मौसी जी। और माँ सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी मौसी जी अगर देखिए जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम अपनी दादी नानी से सलाह लेते हैं ना कि ऐसा हो गया क्या करें। ये हमारे लिए मतलब ये कह सकते हैं कि अंबा माँ के एक रूप की तरह ही होती है। बिल्कुल, कभी कभी मौसी उसी से भी ले लेते हैं। बिल्कुल। महानवमी की इस कल्याण प्रद शुभ बेला में माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक सद्ग्रस्त जी अनेक शुभ लक्षणों जैसे कि धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त जीवन को सहज ही प्राप्त करता है। और आज के दिन पूजन हवन करके हलवे और चने का प्रसाद बनाकर माता को अर्पित भी किया जाता है और नौ कन्याओं भोजन करवाकर प्रसाद वितरित करके पूजन हवन की पूर्णाहुति की जाती है। कोई कंचक खिलाना कहते हैं, कोई कुछ कन्याओं को खिलाना कहते हैं और उसके साथ एक लड़का भी होना जरूरी होता है कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि नौ कन्याओं के साथ में एक छोटा बच्चा साथ में होना जरूरी है। तो माँ अम्बे के सभी रूपों के चरणों में हम आज कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आइए उनके आराधना में, उनकी भक्ति में ये भक्ति देते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, है दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, जगत
जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली हे बस पूजाओगी दुष्टों को तू ही तो तुम्हारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। सब पे अमृत बरसाने वाली सबको हरसाने वाली मैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ना चांदी ना सोना। हम तो मामा तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली विपदा मिटाने वाली कतियों के तक को संवारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ ना हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के मैया अम्बी के ओ मैया चंडी के। तो मौसी जी देखिए ये भक्ति गीत जो है ये हमने सुन लिया और हमारे एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि महानवमी नवरात्रि त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन एक है क्योंकि ये 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार और उपवास के अंत का प्रतीक है। ये राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का भी प्रतीक है। ये अमेरिका ब्रिटेन और विदेशों में कई अन्य स्थानों पर भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो श्रद्धा और भक्ति का तो विस्तार कहीं भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और इस ये पूरा जो इन दिनों जो एक माहौल सा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रभु में ईश्वर में माँ में यकीन नहीं पाओ उसे भी यकीन हो जाए, उसे भी श्रद्धा हो जाए, उसे भी प्रेम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मौसी जी हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं लेकिन आज कौन कौन से कार्यक्रम हमारे ये हमें बताना जरूरी। कुल भाई आज हम कथा सुधा के तहत जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आँच की कसर आपको सुनवाएंगे। उसके बाद नया परिवेश नई बहू है ना। बिल्कुल नया परिवेश नई बहू के अंतर्गत आप हमें बता सकते हैं जब एक नई बहू घर में आती है तो हमें भी थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, कुछ बातों के लिए हमें भी बदलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ताकि वो बड़ी आसानी से उस नए घर में रम जाए। बिल्कुल जाए। तो और आप क्या सोचते हैं हमें तो लिखकर भी। और इसके अलावा जब नाक कान छिदवाएं तो रखें किन बातों का ध्यान है ना, ये भी रखना बहुत जरूरी। और देखिए नवरात्रि में क्या होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां जो है केवल एक नहीं बल्कि उसके कान के ऊपर बहुत सारे और करवा करके बहुत सारी बालियां पहनती है, तो ये भी अब फैशन का एक हिस्सा चुका है। तो भाई लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आज हम बताएंगे उन सावधानियों के बारे में लेकिन पहले नया परिवेश नई बहू के बारे में। तो शादी एक ऐसा शब्द होता है ना मौसी जी कि जिसे सुनते ही लड़की के मन में कई ख्याल आ जाते हैं। शादी के बाद की अपनी जिंदगी को लेकर उसके मन में कई सारी उम्मीदें होती है, कोई शंकाएं होती है, बहुत सारी उथल पुथल होती है कि नए घर में जाऊंगी तो पता होगा कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, क्या वो मेरे साथ सामंजस्य बिठाएंगे, मुझे एडजस्ट करेंगे या मैं कर पाऊंगी या नहीं, काम कर पाऊंगी या नहीं, उनका खान पान कैसा होगा, न जाने कितनी बातें मन के अंदर आती रहती है ना। बिल्कुल। लेकिन ससुराल वाले नए परिवेश में नई बहू की परवरिश की जिम्मेदारी सही ढंग से निभाते हैं तो बहू भी जल्द ही नए परिवार को अपना लेती है। अन्यथा जिन पूर्वाग्रहों को लेकर वो ससुराल में कदम रखती है ना वो हमेशा बने रहते। पूर्वाग्रह यही होते हैं कि पता नहीं उस घर के लोग कैसे होंगे, क्या करेंगे, तो ये जो बातें रहती है ये
उसके मन में हमेशा बनी ही रहती है। और इन बातों को लेकर अच्छी सोच तो शायद कम ही बन पाती, लेकिन जो आसपास जब वो कोई वातावरण देखती है कि नहीं चल रहा है, तो वो बातें उसके मन पर ज्यादा असर कर जाती है और वही बातें लेकर के वो अपने ससुराल जाती है, तब उसे थोड़े से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन ऐसे में जब घर परिवार के लोग साथ देते हैं, काम बड़ा आसान अच्छे से होता है। और शादी से पहले लड़कियों को बार बार ये बात बोलकर एहसास करवाया भी जाता है कि इतनी आजादी, अपनापन और प्यार उसे ससुराल में नहीं मिलेगा। तो इन बातों को भी सुनते सुनते लड़कियां जो है वो बड़ी होती है ना, अपने मन में ससुराल के प्रति एक राय बना लेती है, जो मुझे लगता है माओं को नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन माएं इस बात के प्रति सतर्क भी तो रहती है कि अरे मेरी बेटी को ससुराल जाने के बाद कोई समस्या ना हो। इसलिए जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, बेटी थोड़ा देरी से उठती है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठती है, तो माँ कहती है इतनी देर तक सोती हो, ससुराल में कोई इतनी देर तुम्हें सोने देगा क्या? हाँ, तो ये नेगेटिव हो जाता ना, ये बड़ी नकारात्मक सोच और बोल हो जाती है। क्योंकि फिर वो अरे राम, ससुराल में तो लगता है जैसे कोई डंडा लेकर खड़ा मेरा इंतजार करेगी। लेकिन दूसरी तरह से भी इस बात को कहा जाए, और माएं जैसे नाराज होती है वैसे कई बार सासें भी नाराज होती है, तो जब सास नाराज होती है तो बहू को नहीं अच्छा उसको लगता है, कि लेकिन माँ की नाराज वो सह लेती है। तो ये थोड़ा सा जो आपने बात की कि परवरिश बहुत जरूरी होती है इस तरह से, और वो कहते हैं ना कि शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो वो यही सब बातें उसके साथ होती हैं, इधर से डरी हुई होती है, और इस वजह से उसे ससुराल के नए परिवेश में और नए रिश्तों से सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो सुनकर आती है ससुराल में जाओगी तो ये होगा तो वो होगा, है ना। हाँ, लेकिन जो आपने अभी बात कही जी कि माँ की बातें तो वो सह लेती है लेकिन सास की बात नहीं सह पाती है, तो इसके पीछे भी कुछ वजह होती है कि माँ का जो व्यवहार होता है बेटी ने बचपन से देखा होता है कि माँ इन बातों पर नाराज होती है, माँ इस तरह से गुस्सा करती है, गुस्सा करने के थोड़ी देर बाद वापस वो ठंडी हो जाती है और उतना ही हमें प्यार करने लग जाती है, तो इन सब बातों को उसने देखा होता है। लेकिन सास का जो व्यवहार होता है वो उसके लिए बहुत नया होता है, उसे नहीं पता कि वो कौन सी बातों पर खुश होती है, कौन पर वो गुस्सा करती है, कितनी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, नए परिवेश में क्या होता है क्या नहीं होता है, उस घर के रिवाज क्या है, इस घर में क्या बनता है, किस तरह से कहता है, तो इन सब बातों को समझने में कुछ वक्त लगता है। तो ये जो वक्त होता है ये उस लड़की को मिलना चाहिए समझने के लिए, ना कि जाने के साथ ही इतने प्रतिबंध लगा, अरे ऐसा करती हो तुम, ऐसा माँ ने ऐसा ही सिखाया, इस तरह की बातों से भी पूरा वातावरण जो है वो नकारात्मक है। बिल्कुल ना करें, वो बहुत गलत व्यवहार होता है, क्योंकि उससे और ज्यादा रिश्तों में कड़वापन और वो आने लगता है। तो ससुराल वालों को उसकी भी मनस्थिति को समझनी चाहिए और नए माहौल में ढलने में अपनी बहू का पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि वो एक परिवेश, एक घर, एक परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर एक नए परिवार में आई है। तो जब आप उसको खुली बाहों से स्वीकार करेंगे, और खास करके एक बच्चा आया है उसे मुझे यहाँ के माहौल से अवगत कराना है, सिखाना है, बिल्कुल, तो जब आप स्वागत करेंगे उसका खुली बाहों से, तो फिर उसको भी लगेगा कि मुझे इतना प्यार मिला। वो एक गीत था ना नीलकमल का, कि ससुराल में इतना प्यार मिले, तो वो सब बातें ऐसी नहीं, बिल्कुल, वो जो गीत है वो तो जब हम सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक बेटी की विदाई के समय एक पिता के मन में कौन सी भावना हिलोरे ले रही होती है। वो जब वैसे भी, और मोहम्मद रफी साहब ने उसे गाया भी कुछ ऐसे है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ अभी अभी किसी बेटी की विदाई हो रही है। लेकिन फिलहाल जो है हम एक यहाँ गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, दिल से दिल की डोर बांधे पूरी चोरी जाने, हम तुम हम संग संग चले, आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने, हम तुम हम संग संग चले, आज कहाँ चले
ले ये प्यार जिधर जा पे गाए दिल की सरगम झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की उर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ हम और तुम संग संग तभी चल पाएंगे ना मौसी जी, जब घर का वातावरण एकदम ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया मजेदार रहेगा। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि नया परिवेश, नई बहू, लड़की जब विवाह के बाद में ससुराल में आती है तो वहाँ उसके लिए सब कुछ नया होता है, नया परिवेश, नए लोग और नए रीति रिवाज। ऐसे में यह कि ससुराल के रिवाजों और परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाए, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा है और अगर आप सामंजस्य बिठाने में नाकामयाब होते हैं तो ससुराल में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अतः आप चाहे तो अपने मृदुल व्यवहार, सबका मन जीतकर कुछ परिवर्तन अपने अनुसार करके भी खुश रह सकते हैं। लेकिन बुआ मौसी जी, मृदुल व्यवहार रखने की जिम्मेदारी केवल लड़की की तो नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं होती है, देखो लोगों की भी तो होती है। बिल्कुल होती है। अब एक हमारी श्रोता लिखती है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे की तरह बेहद सुंदर और प्यारा है, जीती रहो मेरी बहू, या फिर तुमने जो कुछ भी इस परिवार के लिए किया है कोई और ये कभी ना कर पाता, तुम्हारा दिल से शुक्रिया बहू, या फिर तुम एक शानदार पत्नी और आज्ञाकारी बहू, तुम्हारी तरह कोई और नहीं है। इस तरह के भी शब्द अगर उन्हें कहे जाएंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका प्यार बढ़ेगा, उसके दिल में लोगों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल। एक श्रोता और है जो हमारे ये लिखते हैं कि आजकल तो बहुत देख सुनकर और लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर और घर जाकर भी देख लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, पर एक समय था, ऐसा भी था जब लड़का
लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तब एक अनजान घर में अकेले जाना कितना मुश्किल काम होता था। तो नई दुल्हन की खुशी, मन में हजारों अरमान लिए, दूसरा कि एक नए माहौल में कि जाने कैसे होंगे लोग, एक डर घबराहट बहुत चुनौतीपूर्ण होता था। वहां कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं होता था। सचमुच जो परिस्थिति है ना मौसी जी, अगर अच्छे लोग हों तो बहुत सुखमय होती है, लेकिन अगर लोग हमारा साथ नहीं दे तो बहुत कष्टप्रद भी हो जाती है। बहुत कष्टप्रद, वो नर्क के समान होता है। कई लड़के लड़कियां गलत कदम उठा लेती, क्योंकि एक जमाना था जब माता पिता कहते थे कि अब वहां से तुम्हें आना नहीं है, वहीं रहना है, तो वो माँ बाप को भी दुखी नहीं करना चाहती थी, अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहती थी। एक बहुत सुंदर सा संदेश मुझे भेजा एक श्रोता मित्र ने कि नई बहू को सम्मान दें ताकि वो अपने मायके को याद कर दुखी ना हो। धीरे धीरे वो आपके घर में माहौल को समझ लेती है। सास बहू को प्यार दें, इज्जत दें। बहू का भी कर्तव्य है कि प्यार दे, इज्जत दे, सास बहू के में ध्यान रखे। बहू का भी कर्तव्य है कि सास की सेवा करे। और इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसे बेटी की तरह रखें और बहू का भी फर्ज है। फिर ये भी लिखा कि मैंने अपने नाक कान अपनी शादी में नहीं ये करवाए थे, और जब मेरी शादी होने वाली थी तब से तो सब कहने लगे कि बहुत दर्द होगा, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। मेरी माँ सरसों का तेल गर्म करके लगाती रही और दर्द महसूस ही नहीं हुआ। अभी का ये जो सीजन है, अच्छा नाक कान वो उसकी बात हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए, हम नए परिवेश में नई बहू कैसे सामंजस्य स्थापित करें, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कुछ और जो बातें हमारे मन में आ रही, ये है कि जब नई बहू आती है तो उसके आजादी पर बहुत तरह के अंकुश लगा दिए जाते हैं। ये बात भी ससुराल वालों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, यहाँ तो केवल साड़ी ही पहनना है, यहाँ तो सिर के ऊपर पल्लू ही लेना है, ऐसे ही रहना है, वैसे ही रहना है। थोड़ा सा उसके अंदर उसे समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ जब नया नया होता है और तो ये पहनावा भी एकदम नया हो जाता है उसके लिए, तो थोड़ा सामंजस्य स्थापित करने में यहाँ समय लग सकता है, तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा ये कि सोने जागने के समय को लेकर भी इतनी जल्दी में कोई एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इस थोड़ा ख्याल रखें। और खान पान को लेकर भी मौसी जी ऐसा होता है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे दाल सब्जी में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाती है, लेकिन लड़की जहाँ से आई है वहाँ ऐसा नहीं होता है, तो उसे पसंद नहीं आता है, तो वो कहती नहीं नहीं मुझे तो मीठी ही नहीं लगती, तो ससुराल वाले कहते हैं अरे ऐसा भी कोई करता है क्या, दाल तो मीठी ही खाई जाती है। बिल्कुल। देखिए, वो एकदम नए दूसरे माहौल से आइए, आपके घर का वातावरण एकदम उसके लिए दूसरा है, थोड़ा सा उसे समय दे इन सब बातों को एडजस्ट के लिए, यानी हर बात में उसकी आजादी पर अंकुश ना लगाए। उसको जिस तरह से खाना है, जिस तरह से रहना है, थोड़े दिन के लिए तो कम से कम उसे आजादी देनी ही चाहिए, जब तक कि वो इन नई चीजों को अपनाना ना ले। और दूसरों की बहुओं से उसकी तुलना करें। ये जो लोग व्यंग करते हैं कि उसकी बहू तो ये करती है वो करती है, फिर पति का साथ भी बहुत अहम होता है। कुछ लड़के जो अगर बहू का के साथ खड़े हो गए या कुछ कह दिया तो माओं को बहुत बुरा, वो बैलेंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है लड़कों के लिए, मुझे कई बार लगता है। तो इन सारे ऐसे हालात ना पैदा हों कि यू नो एक तरफ होने वाली स्थिति हो जाए। जी जी बिल्कुल। और जो लड़की आती है वो उस नए घर में आती है केवल पति से आती है, अगर पति उस समय उनका साथ नहीं देंगे या वो समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये जो सामंजस्य है ये करना और भी कठिन हो जाता है। इसके लिए पति को भी चाहिए कि उनकी हर नई और छोटी छोटी बातों में उसका अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे, मतलब ऐसा ना हो कि माँ को भी उस बात का बुरा लग जाए, लेकिन उन बातों को एडजस्ट करने में या उस नए परिवेश को समझाए उसे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है तो तुम थोड़ा सा इस तरह से करोगी तो ये बात आसानी से बन जाएगी। तो ये बात है, ये भी बड़ी मायने रखती है बहुत बहुत। और उसके लिए थोड़ा खुद को भी बदलना जरूरी है। आप ये मत मान कर चलें कि बस जो मैं सोचती हूँ या जो मैं हमारे यहाँ होता है बस वही आखिरी सच है, आखिरी सच है। यानी सब बदलने की जिम्मेदारी केवल उसकी ना हो, बल्कि आप में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। और सिर्फ कहें नहीं, शब्दों में ना कहें, आवाज में ना कहें, उसको दिल से माने बेटी आप। हाँ, कहते हैं ना कि क्योंकि व्यवहार बता देता है कि आप सिर्फ कह रहे हैं या मान भी रहे हैं। बिल्कुल। शादी से पहले जब बात होती तो कहते हैं कि अरे हम तो बहू को अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तो ये बातें सिर्फ कहने में ना हो बल्कि आप उसे समझे भी। और इसके अलावा अगर बहू आपकी कुछ अच्छा करती है तो उसकी तारीफ भी करना बिल्कुल ना भूले, इससे उसका हौसला बढ़ेगा और वो निवेश में बहुत जल्दी आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। और अब हमें यहाँ एक गीत एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, करते हैं, सुनते हैं। सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरे
लगी है, दुल्हन की सजी है, रेशम की डोरी इस दिन से बंधी है, तकदीर जगी है, दुल्हन की सजी है, रेशम की मौसी जी। देखिए ये साजन का प्यारा प्यारा घर वाली बात जो है ये हमने सुन ली और कार्यक्रम में हो चला है एक अंतराल अंतराल का। आप सुन रहे हैं सखी सहेली रजो मौसी और मंजू द्विवेदी के साथ। और देखिए अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए और अब कथा सुधा के अंतर्गत आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज का कसर। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामारोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं समस्त पे उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसा पूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही कर। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी है काम के धनी नहीं है। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।
महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे। वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए। हाँ, अब इसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे। हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं साहब। हमें तो दहेज से सख्त नफरत, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर। अजी, कितने तो ऐसे बे हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। खूब समझ रहा हूं, आप लोग पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है? अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ है तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। हाँ, आपका ये प्रश्न गौरवदायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल तो मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। हाँ हाँ, सही है। ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? महाशय, आप बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। हाँ, ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं। अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है। हाँ, मैंने अपनी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर ना सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगल गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए,
कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे वो छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था। पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर होगा। सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। वाह 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 वाह, यहाँ भी चलते हुए? अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए। बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने ये कागज कहाँ पाया? बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं। वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉअर में क्यों निकाला इस कागज को? मुझे मेज पर नहीं मिला। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे। अरे भाई ये और क्या है, इस तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो। शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं। मिल तो गया था पर बस आज की कसर रह गई।
सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है। ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद गए के भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि है होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा। ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। मक्कार का मुंह काला। हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक की कसर रह गई। एक आज की कसर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इसका भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्णय रेणु चतुर्वेदी। तो मौसी जी, देखिए सुधा के अंतर्गत हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आँच की कसर, इसका जो है वाचन वो सुना है। और चाहे माहौल बनाना हो या बिगाड़ना हो, कई बार एक छोटी आँच का एक छोटा सा हिस्सा होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। ऐसे ही जब देखिए हम नाक और कान छिदवाते हैं, बड़े शौक से छिदवाते हैं, लेकिन अगर उसकी देखभाल करने में बस एक आँच भर का असर रह जाए तो ये बड़ा प्रद भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, नाक में सूजन हो जाती है। तो इसलिए जो आज हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे बहुत से श्रोता मित्र जो हैं वो लिखकर हमें भेज भी रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नाक कान छिदवाने की परंपरा जो है वो हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही है, अब तो ये फैशन का हिस्सा भी बन गया है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ध्यान न रखा जाए तो ये छोटी सी चीज काफी तकलीफ देह साबित हो सकती है। और वैसे जी, इन दिनों कान में एक बाली की बजाय ऊपर तक चार पांच छेद करवाने का फैशन है, और इसके अलावा लोग होठ और यहाँ तक कि पलक के कोने में भी छोटी बालियां पहनते हैं। जो भी हो, पर अगर आप अपना या छोटे बच्चे का नाक कान छिदवाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, और वो कौन सी बातें हैं वो आज हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, चाहे बच्चे हो या बड़े, नई इयररिंग से नोज पिन पर बार बार हाथ ना लगाएं, और इन्हें बार बार छूने से ना संक्रमण आसानी से हो जा सकता है, तो होता ही है, इसलिए आप इनके घाव भरने का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल करें। और बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर आप नाक कान के नए छेद को बार बार साफ करेंगी तो वो अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, हमें खराब बैक्टीरिया से बचाते हैं, इसलिए इनकी सफाई दिन भर में केवल आपको दो बार करनी है। जी हाँ, और अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं और आपने नाक कान छिदवाया है तो स्विमिंग से आने के बाद इन्हें साफ करना, एंटीसेप्टिक लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी जो है वो कीटाणुओं और संक्रमण को आमंत्रण दे सकता है, और पूल में कुछ रसायन भी डाले जाते हैं जो जलन या खुजली पैदा कर सकते हैं। हाँ, और एक बात का और ध्यान रख, जो नया छेद है उसमें ज्वेलरी पहनने की बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो घाव है उसको भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर वो घाव पूरा भरा नहीं है और आपने उसके अंदर गहने पहन लिए हैं तो उसकी रगड़ से जो घाव है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और भी ज्यादा तकलीफ देह हो सकता है, और एक बार अगर उसमें पस पड़ गया तो उसे भी ठीक होने में काफी समय लगता है, इसलिए उसे पूरा ठीक होने दे, थोड़ा सा धैर्य रखें। और जब जो आपने छिद समय जो पहना
है उसे दिन में कम से कम 2-3 बार जरूर घुमाते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है हल्का खून निकल आया या पस आ गया तो वो सूख जाता है, फिर वो जम जाएगा। तो आप उसे अगर चलाते रहेंगे घुमाते रहेंगे तो वो उस तरह जमेगा नहीं और रगड़ लगने या खींचने से भी उस चीज को आपको बचाना होगा। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जब हम कपड़े पहनते हमें ध्यान नहीं रहता है और वो जो नई नई रिंग हमने डाली है उसमें वो कपड़े का कुछ छोटा सा एक रेशा फंस जाता है और हमें ध्यान रहता नहीं, अपने हाथ खींच गया तो अरे बाप रे, वो जो दर्द होता है। और हम बड़े तो चलो सह भी लेते नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के भी तो हम कान छिदवाते हैं और उनको जब कपड़े पहनाते हैं तो उस समय इन बातों का बहुत रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की चमड़ी तो और भी ज्यादा नाजुक होती है और एक बार अगर वो खिंच जाए तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि बच्चों को पहनाते समय कपड़े वगैरह बहुत ध्यान रखें या कुछ भी इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर का जरूर लें, एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करें। एक श्रोता लिखती है कि जब किसी को नाक कान में पहना देखते थे तो शौक करता था कि हम भी पहने, पर कान नाक छिदवाना इतना कठिन काम था। उस समय पतले तांबे या नुकीली सुई नुमा चीज से छिदवाया जाता था, बेहद तकलीफ दे, असहनीय दर्द। उसके बाद जब हम रोते चिल्लाते थे तो हाथ में मिठाइयां दी जाती थी कि भूल जाएं हम वो, और लेकिन हम भूल नहीं पाते थे। फिर उसमें हल्दी उसकी बूंद हमने भी लगाया, उसकी बूंद लगाया जाता था। रात में ये रुई को रख देते थे घास पे और वो सुबह जब गीली होती मैं नानी कहती थी कि उसी को लगाओ। इन्होंने भी लिखी है वही बात, कभी कभी तो पक जाने पर एंटीबायोटिक और दर्द वाली गोली भी खाती थी। कुछ दिनों के बाद जब वो जगह सूख जाता था तो नीम की छोटी सी डंठल, बिल्कुल हम सब ने यही किया है और हम पहनते थे। आजकल गन नुमा औजार से सेकंड में छेद हो जाता है दर्द रहित। तो देखिए मौसी, आपने भी अपनी दादी नानी से कितने अनुभव लिए हैं ना, तो ये जो अनुभव होते हैं ना ये बड़े काम के होते हैं और बड़े कारगर भी होते हैं। यानी घर में ही इन छोटी मोटी जो बातें होती इनका इलाज होता है और हमें डॉक्टर के पास जाने की पड़ती थी। और ये भी है ना, एक और हमारी श्रोता लिखती है कि नाक कान छिदवा लो, इस तरह की पुकार मैंने अपने गली में बहुत बार सुनी है। हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लिए जिसके अंदर सुई जैसे पहने औजार होते थे, नाक कान छिदवाने वाला अक्सर गलियों में आया करता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण भेद की परंपरा प्राचीन और वेद सम्मत मानी गई है, वर्तमान समय भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। शायद कोई ना हो कोई वैज्ञानिक तथ्य इस परंपरा से जुड़ा रहा होगा। कोई ना कोई। एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि कल ही हम अपने पोते के कन छेदन के लिए सोने का तार बनवाने के लिए सुनार के यहाँ गए थे और आज आपने ये विषय रख दिया। नख छेदन और कन छेदन बच्चे के शैशव काल यानी कि जन्म 4 महीने के अंदर कराने की परंपरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में कान और नाक मुलायम होते हैं और इसलिए इसमें छेद आसानी से हो जाता है। बच्चा है तो रोएगा ही, यह तो स्वाभाविक है। और 2018 में पोते का कन छेदन किया गया था और इतनी रोई थी कि उसने सांस ही रोक लिया था। उसके नाना एक कान के बाद दूसरे बात पहले चुप कराने ले गए और जब पोती का रोना सामान्य हुआ तब दूसरे कान को भी छिदवा दिया। ये बात भी बच्चा कितना रोया होगा। और एक और श्रोता लिखती है कि मेरे कान मेरे मुंडन के समय ही छेद दिए गए थे। मेरे मोहल्ले में एक घरों में काम करने वाली महरी रहती थी, वो नाक कान अच्छे छेदती थी सिर्फ एक काले धागे से। प्रायः सभी घरों में इस काम के लिए बुलाई जाती थी। मेरी दादी ने कान के लिए उसे ही बुलाया था। फिर मैं जब बड़ी हो गई फिर देशठावनी एकादशी के दिन हमारे आंगन में बहुत बड़ी अल्पना बनती थी, पूजा के बाद उस पर बैठकर मेरी भी छिदवा दी गई। नाक छिदवाने में बहुत सारी बच्चियों को कष्ट भी होता है, बहुत डर भी लगता है। और कान छेदन का तो ऐसा है कि जब हम छोटे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है और ज्यादातर जो है उस समय वो कान के अंदर करवा दिए जाते हैं, लेकिन कष्टप्रद तो ये होता है। लेकिन बाद में जब आप बड़े बड़े झुमके पहनते हैं, मालियां पहनते हैं, कितना अच्छा बड़ा अच्छा हो जाता है और दिखने में भी वो बड़ी सुंदर लगती है। और खासकर विशेषकर जब आप बहुत अच्छा पहनती है तो साथ साथ में बहुत बड़े बड़े झुमके पहनना ये तो सभी के मन को भाता है, तो थोड़ा कष्ट है, उसे सहन करना पड़ता है ना, है ना, अच्छा दिखने के लिए। वो जो हम बात कर रहे थे नया परिवेश नई बहू की, उसमें एक बड़ा सुंदर सा मैसेज किसी ने लिखकर भेजा था। आजकल तो बहुत देख सुनकर और अब तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर और घर भी जाकर देख लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब लड़का लड़की
कि एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तब तक अनजान घर में अकेले जाना कितना मुश्किल था। एक तरफ तो नई दुल्हन की खुशी, मन में हजारों अरमान लिए, दूसरा कि एक नए माहौल में जाने कैसे होंगे लोग। एक डर घबराहट बहुत चुनौतीपूर्ण होता था, वहां कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं मिलता था। वक्त कितना परिवर्तित हो गया और कितनी बदल गई ना। बिल्कुल। और एक इसी संदर्भ में एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि अपने घर में अपने परिवार के एक हिस्से के रूप में उसका स्वागत करते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखें कि आप उसके साथ अपने परिवार के एक मूल्यवान सदस्य की तरह व्यवहार करें। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा करना चाहें जैसे उसे गले लगाना, ये आप करना चाहें और हमारे परिवार में उसका स्वागत ये शब्द कहें तो वो सहज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात लिखी गई कि एक नया परिवार और नए लोग, लड़की जब बहू बनकर आती है तो उसके मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी होता है, इसलिए उसे प्यार और अपनेपन के साथ अपना कर और घर के तौर तरीके सिखाने चाहिए। मेरी भी बहू आई और मैंने उसकी तरह प्यार दिया, वो आज वो और हम बेहद खुश हैं। क्या बात है। चलिए इस खुशी में एक गीत सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। जी देखिए ये धीरज बहुत काम की चीज है, चाहे आप नए परिवेश में जाए, चाहे आप नाक कान छिदवाएं, उनको ठीक होने के लिए थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा धीरज रखें। और देखिए इसी के साथ घड़ी ने हमको इशा है कि हमें आज के कार्यक्रम का समापन करना है, तो अब आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और रज्जो मौसी का नमस्कार।